41व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा गोव्यामध्ये आयोजित केल्या जात आहेत। विविध प्रकारचे क्रीडा प्रकार या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात, पण काही क्रीडा प्रकार असे आहेत जे नॅशनल लेव्हलला एशियन लेव्हलला खेळले जातात, पण आपल्याला काही गेम्सची नावं माहिती आहेत, काही गेम क्रीडा प्रकार माहिती आहेत, पण त्यांची नावं माहीत नाही आहेत। अशा प्रकारातला एक क्रीडा प्रकार म्हणजे जो नॉर्थ साईडला खेळला जाणारा वुशू हा क्रीडा प्रकार। ओरिजिनली चायनीज मार्शल आर्ट प्रकार आहे, आणि याच्याबद्दल माहिती देण्यासाठी वुशू ॲक्च्युली काय आहे, याच्या टेक्निकॅलिटीज काय, याचे नियम काय आहेत, या संदर्भात माहिती देण्यासाठी आर्मी ऑफिशियल आपल्यासोबत आहेत अमित पाल सर। वुशू के बारे में आप क्या टेक्निकल जानकारी देंगे? बहुत से लोगों को वुशू के बारे में पता नहीं है, जो कॉमन पब्लिक है। वुशू गेम क्या है, कौन से प्रकार है, क्या बताएंगे? वुशू एक चाइनीज मार्शल आर्ट है, बट इसका जो उदय हुआ, आरंभ हुआ, भारत से हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं जो हमारी एनिशेंट जो हमारी मार्शल आर्ट्स हैं उनका सभी का उदय भारत से है, और हम ही नहीं, फिर आगे जाके हमारी आर्ट्स को दूसरे बंदों ने, दूसरे आप कह सकते हैं चाइना ने, हमें उसको एडोप्ट कराया है, और आज इस गेम से बहुत आगे हैं। अभी 1989 में वुशू इंडिया के अंदर आया था, जिसके दो प्रकार होते हैं, एक सांसू एक ताउलू। सांसू ये जो पीछे चल रहा था एकल प्रकार था, वो कौन सा था? ये ताउलू होता है। उसके क्या नियम होते ताउलू के? ताउलू में इसमें एक बेयर हैंड खेला जाता, मतलब खाली हाथ से। एक होता है लॉन्ग वेपन, जिसके अंदर हम भाला लाठी इन सब का उपयोग करते हैं। एक होता है शॉर्ट वेपन, शॉर्ट वेपन में तलवार हो गया, छोटी तलवार हो गया, इस सब यूज़ कम करके उसमें अपनी एकल प्रतिस्पर्धा होती है, जिसके अंदर हमें 10 पॉइंट पहले दे दिए जाते हैं। उसके बाद जो जजेस बैठे होते हैं, आप जितनी उसके अंदर गलतियाँ करते हैं, इसके अंदर डिग्रीज हैं, डिफिकल्टीज हैं, वो आपके पॉइंट डिडक्ट करते हैं, उसके बाद फिर आपको उसमें मार्क्स मिलते हैं। ताउलू में प्रतिस्पर्धी नहीं होता, वो सिर्फ एकल प्रकार होता है, जिसका सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ता है। जी, अकेला करते हैं, उसके अंदर जैसे 10 हैं या 12 हैं, 15 प्रतिस्पर्धा जितने भी होते हैं उन सबका, फिर जिसका सबसे ज़्यादा स्कोर होता है उसको फिर उसमें पॉइंट दिया। अभी ये जो हमारे पीछे में जो चल रहा है वो प्रकार कौन सा है, जो थोड़ा बहुत बॉक्सिंग जैसे लग रहा था, फाइटिंग का प्रकार है जिसमें दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं अलग अलग, उसके क्या नियमात होते हैं, क्या नियम होते हैं उसके, और उसके बारे में क्या बताएंगे? इसको हम सांडा बोलते हैं। सांडा ये हमारी सांडा फाइट्स हैं, ये भी एक वुशू का पार्ट है, जिसके अंदर दो प्रतिस्पर्धी खेलते हैं। तो सांडा है हमारे तीन मार्शल आर्ट का मिला जुला रूप है, जिसके अंदर हमारे किक, पंचेस और थ्रोइंग तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, और तीनों चीज़ से ही प्रतिस्पर्धी खेलते हैं। इसके अंदर दो दो मिनट के तीन राउंड होते हैं, दो दो मिनट के तीन राउंड में जो बेस्ट ऑफ टू, जो मतलब कि दो राउंड जीत जाता है, वो उसका विनर होता है, जिसके अंदर किक्स के, पंचेस के और थ्रोइंग के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। इस तरीके से उसमें प्रतिस्पर्धा को विन किया जाता है। सर, उसमें जो वेटेज होता है, वेट का भी लिमिट होता है, या उसमें क्या डिफरेंस होता है? ये हमारा वेट कैटेगरी अकॉर्डिंगली होता है, जैसे इसकी जो बॉयज़ की वेट कैटेगरी है वो 48 केजी से स्टार्ट होकर 90 प्लस तक जाती है, जिसके अंदर 11 वेट कैटेगरीज बनाई हुई हैं, 5-5 केजी का डिफरेंस के साथ में। इसी तरीके से हमारा जो गर्ल्स का है, गर्ल्स के अंदर हमारी 48 केजी से लेकर 75 केजी तक बनाई गई है, 8 प्रतिस्पर्धा। सर, जैसे ताउलू में देखा जाता है कि ये एकल प्रकार है, और इसमें वेपन्स के साथ भी वो अलग प्रकार हो जाता है, बिना वेपन के साथ भी एक अलग प्रकार हो जाता है, लेकिन उसमें वैसे अलग प्रकार होते हैं या? इसके अंदर ये कि हाँ, उसमें जो वेट कैटेगरी है वही हमारा अलग प्रकार हो गया। अच्छा, उसमें हाँ वेपन्स के साथ नहीं इसमें हमारी सिर्फ जैसे जो प्रतिस्पर्धी दो आपस में खेलते हैं कॉम्बैट गेम की तरह, वही होता है, बस वेट कैटेगरी में बांट दिया गया है। एका बाजूला आपल्याला पाहायला बघायला मिळतं की हा फाइट करतानाचा क्रीडा प्रकार आहे वुशूच्याच अंतर्गत, आणि दुसरीकडे जर बघितलं तर तो एकल प्रकारामध्ये खेळला जाणारा एक वुशूचाच एक प्रकार आहे। तर या सगळ्या गोष्टींच्या संदर्भात माहिती देण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत सोहेल अहमद सर,
जे वुशु फेडरेशन से एक सदस्य है। सर जी आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या बताएंगे वुशु गेम, बहुत से लोगों को ऐसा है कि जो सामान्य जो पब्लिक है, कॉमन पब्लिक है, उनको इस गेम के बारे में पता नहीं है। कैसे इस गेम को आप इलेबोरेट करेंगे, क्या जानकारी देंगे इस गेम के बारे में? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपके बाद मैं धन्यवाद करूँगा गोवा गवर्नमेंट के सभी खेल मंत्री का, मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया है तो मैं अपने वुशु फेडरेशन की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ और निवेदन भी करता हूँ कि जिस तरह का आयोजन उन्होंने अब किया है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में गोवा में की जनता को इंटरनेशनल आयोजन देखने को मिलेंगे। जहाँ तक वुशु की बात है तो निश्चित रूप से वुशु इतना पॉपुलर खेल है और इंडिया को अगर कोई खेल मार्शल आर्ट में दे रहा है तो वो वुशु है। अगर मैं बात करूं 2006 एशियन गेम्स, 2010 एशियन गेम्स, 2014, 18 और 23 सभी में वुशु के मेडल है। बहुत सारी मार्शल आर्ट आप जानते हैं उनमें किसी का मेडल नहीं है। हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप जूनियर की बात करें तो 8 मेडल हैं हमारे, वर्ल्ड में 3rd रैंक है। सीनियर की बात करें तो 4th रैंक है और 12 साल में 5 अर्जुन अवार्ड वुशु ने लिया है, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। द्रोणाचार्य हमारा आपने देखे, मिले भी हैं आप, तो निश्चित रूप से मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा कि हम लोगों को सेल्फ डिफेंस के लिए हर पेरेंट्स को वुशु अपने बच्चों को खिलाना चाहिए। सर लेकिन फिर भी जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग, हमने गोवा में या जो कॉमन पब्लिक है उनको पूछा कि वुशु के बारे में आप जानते हो, तो जो कॉमन पब्लिक है उनको नहीं पता है, फिर भी कैसे ध्यान दे पाएंगे कि वुशु सब लोगों तक पहुँचे या क्रीडा प्रकार में ज़्यादा खिलाड़ी तैयार होंगे? इसके लिए जो सबसे बड़ा रोल हो सकता है वो मीडिया का। निश्चित रूप से जो मेडल दे रहे हैं देश के लिए उनको मीडिया का रोल है कि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा गेमों को दिखाएं, लोगों को बताएं। हम लोगों का काम यह है कि निश्चित रूप से हम अभी वोमेन लीग स्टार्ट की है भारतीय खेल प्राधिकरण के उद्देश्य से, जिसमें 60 लाख प्राइज मनी है वुशु में लड़कियों के लिए, और मेरा प्लान ये है कि उसका भी एक आयोजन मैं गोवा में करूँगा। तो निश्चित रूप से हम फेडरेशन ने प्लान किया है कि जगह जगह पर हम इवेंट बढ़ाएं। अभी तक हमारा रोल था रिजल्ट, अब हम मार्केटिंग पे भी उतरेंगे। रिजल्ट हमारे पास इतना है, आप देख ही रहे हैं, किसी और मार्शल आर्ट में नहीं है जो वुशु दे रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा पेरेंट्स से अपने बच्चों को वुशु से जोड़ें, जिससे जहाँ गेम है वहीं सेल्फ डिफेंस है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से जो लोग देखेंगे वो अपने बच्चों को इसमें जोड़ेंगे। और आखिर में मैं एक बार फिर गोवा सरकार का धन्यवाद करूंगा सफल आयोजन के लिए। प्रकारामध्ये गोवा टीम देखील सहभागी झालेली आहे आणि त्याच्यासाठी आपल्यासोबत राघवेंद्र सिंग जे गोवा टीमचे कोच आहेत ते आपल्यासोबत आहेत। ते आपल्याला सांगतील की कशा प्रकारे हा गेम खेळला जातो, गोव्यामध्ये कधीपासून याची तयारी सुरू झाली होती, कशा प्रकारे गोव्यातील खेळाडूंना वुशुची ट्रेनिंग देण्यात आली। सर पहिली बात तो ये बताइए कि किस तरह गोवा के खिलाड़ियों को आपने ट्रेन किया, जो सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा गोवा का एक प्लेयर है उनको सिल्वर मेडल भी मिला जो दूसरे क्रमांक का मेडल है, क्या बताएंगे? अभी गोवा टीम के जो मेडल के लिए जो यहाँ पे प्रयास किया, हमारे सेक्रेटरी सर हैं मिस्टर पाउलो किलमेन फर्नांडिस सर, इन लोगों ने इन्होंने यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज़ किया, उसके लिए हमें यहाँ पे बुलाया गया, वुशुएशन ऑफ इंडिया ने हमें यहाँ पे भेजा है। तो हमने यहाँ पे 25 सितंबर से 25 टिल डेट तक हमने इनको कोचिंग कराई है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा मेडल लेके आएँ। जैसे कि अभी फर्स्ट इवेंट में ही हमारा सिल्वर मेडल मिला है तो ये हमें बहुत खुशी की बात है कि हमें और ऊर्जा देता है हमारे बाकी प्लेयर्स को कि यहाँ पे कंटिन्यूड जब पहले ही इवेंट्स में हमारा मेडल आ जाता है तो आगे होने वाले इवेंट्स में हमारे बहुत सारे मेडल्स हम सिक्योर कर सकते हैं।
सर, ये तावलू और सांडा ये दो प्रकार होते हैं वुशू में, ये तावलू के बारे में क्या बताएंगे? अलग अलग प्रकार भी होते हैं इसी के अंदर, उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या है, कैसे खेला जाता है ये गेम, बहुत से लोगों को पता नहीं है ये। तावलू दरअसल क्या है कि सॉफ्ट एंड हार्ड कंप्लीट मार्शल आर्ट्स है, तो इसको कंप्लीट मार्शल आर्ट करने के लिए एक इवेंट जो सांडा, उसमें बाउट होती है, फाइट होती है दो प्लेयरों के बीच में, और उसमें टेक्निक्स होती है किक पंच एंड थ्रोइंग, पूरा उसमें मिक्सअप है, और उसी के रूल के अकॉर्डिंग उसमें फाइट्स लड़ते हैं, प्लेयर्स स्कोर अपना अपना कलेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से वो लोग विन होते हैं। उसमें तीन राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, और जो फर्स्ट सेकंड कंटिन्यू जीत जाता है उसको बाउट ओवर हो जाती है, जो टॉप टू होता है वो जीत जाता है। इसके बाद फिर आते हैं हम तावलू इवेंट्स पे। तावलू इवेंट्स में हमारे कोरियोग्राफी सॉफ्ट मार्शल आर्ट होता है, जिसमें जिमनास्टिक, जंपिंग और डिग्री डिफिकल्टी क्वालिटी ऑफ मूवमेंट्स को देखते हुए 10 पॉइंट्स होते हैं, उसमें से डिडक्ट होता है उसकी मिस्टेक्स पे, वो जितनी जो मिस्टेक्स करता है उसका पॉइंट्स उतनी तरह से डिडक्ट होता रहता है, जो जितना अच्छा स्कोर अचीव कर लेता है उसको उसी हिसाब से यहाँ पे मेडल्स मिलते हैं। इसमें बियर हैंड एक्सरसाइज होती है, जो खाली हाथ मार्शल आर्ट्स बोल सकते हैं, और उसमें वेपन के साथ होता है, जैसे लाठी है, तलवार और स्पेयर्स भाला होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये तीनों चीज़ कोरियोग्राफ किया गया मार्शल आर्ट्स के अकॉर्डिंग। जैसे हमने देखा कि वुशू में दोन प्रकारचा गेम असतात, एक असते शाओलू आणि दुसरी म्हणजे सांडा। सांडामध्ये वेट कॅटेगरी असते, ज्याच्यामध्ये दोन प्रतिस्पर्धी असतात आणि त्यांचे ज्या प्रकारे ते खेळतात त्याच्यावरती त्यांचे पॉईंट्स वाढत जातात, पण तावलूमध्ये हे पॉईंट्स ऑलरेडी दिलेले असतात, त्यांचं परफेक्शन, त्यांच्या खेळण्याची पद्धती याच्यावरतून ते पॉईंट्स घटत जातात, अशा प्रकारचा हा खेळ आणि याच्यामध्ये दोन तीन वेगवेगळ्या प्रकारचे खेळ आहेत। आपल्यासोबत आहेत गोव्याचे सेक्रेटरी, वुशूचे गोव्याचे सेक्रेटरी। सर, आपका नाम? पावलू किलमेन फर्नांडिस। फर्नांडिस सर, गोव्यासाठी गोयाक एक सिल्वर मेडल मिळले असा, जे सेकंड मेडल असा, किती सांगतले तुमका, कशी खुशी जाता, कशी तुम्ही हे खुशी सांगले? खूप खुशी जाता। आता किरें जे आमचे पळय कोच हाडल्या, कोचांनी आमकां खूप मदत केली ट्रेन करपाक भुरग्यांक, आणि त्या प्रमाणे भुरगे आमचे परफॉर्म केले आणि आमकां सिल्वर मेडल हाडले, तर हांव तेंकां कोचांक खूप आवारी, कित्याक सगळ्याक सेक्रेटरी म्हणून हांव सगळ्याक घुसूंक शकना, पूण त्या प्रमाणे म्हाका कोच हाडले, कोचान बरो रिजल्ट दिले, दोन कोच हाडला, दोनी कोचांनी म्हाका बरे रिजल्ट दिले, हांव तेंचो खूप आवारी, आणि फुडें हांव म्हणटा कितें आनीक आमकां मेडल येतली म्हणून आमकां भरोसा आसा कोचांचेर। दुसरा म्हणजे आपला गोव्याचा एक ज्यानं मेडल आणलं आहे, तो सिल्वर मेडल आणलेला आपला युवा खेळाडू, ज्यानं वुशूमध्ये पहिलं मेडल आणले, सिल्वर मेडल। सर, आपका नाम? रोशन कार्की छेत्री। सर, आपने सेकंड मेडल लाया है, सिल्वर मेडल, कैसे आपकी खुशी आप अदा कर पाएंगे, कैसा लग रहा है आपको? मैं बहुत खुश हूँ परफॉर्मेंस दे के, और मुझे गोवा फेडरेशन ने, गोवा वुशू एसोसिएशन ने बहुत सपोर्ट किया, यहाँ के कोचेज ने, सेक्रेटरी सर ने, हमारे कोचिज साहिबान जो स्पेशली हमें ट्रेन करने के लिए बुलाए गए थे, उन्होंने हमें बहुत सहयोग किया, हमारा पूरा ध्यान रखा, डाइट का, हमारी ट्रेनिंग का, हमें बहुत मेहनत करके तैयार करवाया, तो जिसकी बदौलत आज मैं माफ़ी चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं गोवा को गोल्ड नहीं दे सका, और सेकेंडली कि मैं गोवा को इस काबिल हो गया कि मैं सिल्वर दे पाया, तो इसलिए मेरा प्रणाम। जैसे कि आप पहली बार, मतलब जब गेम शुरू हुआ तो पहला परफॉर्मेंस ही आपका था, कैसे लग रहा था जब आप परफॉर्मेंस के लिए उतरे थे, क्योंकि फर्स्ट परफॉर्मेंस आप ही दे रहे थे, और परफॉर्मेंस देने के बाद आपकी जो आपने मेहनत की थी वो रंग लाई, आपको मेडल मिला? जी सर, वो फर्स्ट परफॉर्मेंस मेरा था, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, ऐसा लग रहा था कि जब बस अब ख़त्म कर देना है, एक ही बार में गोल्ड लेके जाऊंगा सोचा था, पर समहाउ कुछ छोटा छोटा मिस्टेक की वजह से रह गया, नेक्स्ट टाइम कवर करूंगा, नेक्स्ट टाइम गोल्ड लेके आऊंगा। आपके साथी थे जो गोवा रिप्रेजेंट कर रहे वुशू में, सब आपको चेयर कर रहे थे, पूरे हॉल में आवाज़ गूंज रही थी आपके लिए, आपके सब फ्रेंड्स आपको सपोर्ट कर रहे थे, कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था, हमारे सीनियर्स खड़े थे, हमारे कोचेज हमारे परफॉर्मेंस की बैक साइड पे खड़े थे, दे आर सपोर्टिंग अस, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा लग रहा था। तर ही होती आपली गोव्याची वुशूची टीम, ज्यांनी आत्ताच सिल्वर मेडल आपल्याला दिलेला आहे, आणि हा अशा प्रकारे वुशू हा गेम इथे चालू आहे, विविध प्रकारचे दोन वुशूमधीलच वेगवेगळे प्रकार पाहायला मिळत आहेत। प्रुडंट मीडियासाठी तुळशीदास चारी यांच्यासह मी ऋषिकेश, गोवन वार्ता लाईव्ह, प्रुडंट।
आज गोयन डिझेलच्या धुंगराक लागून कितलेशेच प्रदूषण वाढला. हवेन वाढलेल्या कार्बनाक लागून लोकांक श्वास घेवपाक त्रास जाता. आरे डिस्टर्ब करू नाका रे रामसो. जसे व्हडल्या व्हडल्या शहरांनी प्रदूषणाचो लेवल वाढला तशी दुयेसाय वाढल्या. अशीच परिस्थिती आमच्या गोयांनी येतली काय असं सगळ्यांक भंय पडला. अरे बस येता. अरे बस येतली जाल्यार गोंग 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 करून आवाज करतली. पेरे 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 करून हॉर्न मारतली. कळ्ळें मरे हे किती रे आवाज जातो ना मरे ना कसलो चमत्कार. चमत्कार न्ही गोंय सरकार पोल्युशन फ्री इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसीस धावतात गोंयच्या रस्त्यार. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनच्या ई बसीस विथ फुल्ली एअर कंडिशन 40 सिटिंग कॅपॅसिटी USB सॉकेट्स रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टम आणि प्रवाशांच्या सुरक्षे खातीर एमर्जन्सी बटन. कदंबा बसी आमकां जितल्यो फॅसिलिटीज दितात तितल्योच फॅसिलिटीज म्हाजी बस ह्या स्किमी अंतर्गत जवळ जवळ 25 प्रायव्हेट बसी आमकां दितात. म्हणजे स्टुडंट्सांक कन्सेशन, सिनियर सिटिझन्सांक कन्सेशन आणि कॅन्सर पेशंट्सांक फ्री ट्रॅव्हल. इतलेच न्ही प्रायव्हेट बस ओनराक सुद्धा ह्या स्किमींतल्यान खूप आदार मेळटा. आ करून कितें पळयता आतां उलय. आतां कितें उलो भिवपाची सोड आतां उलोवपाची गरज ना. शुद्ध श्वास आरोग्यदायी प्रवास आरोग्याची हमी गोय सरकार पडचो ना खंयच कमी.